भी समर्थक लेखक शांतनु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंदन से राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की है शांतनु गुप्ता ने। अनुराग जवाब ले लें हम शांतनु जी से। शांतनु जी, रोमाना, या तो अनुराग बदौरा जी ने पूरा भाषण नहीं सुना या सुनने में इनको दिक्कत है या इनकी मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम है। एक घंटे का भाषण था, उसमें उन्होंने कांग्रेस के कि हमें मुस्लिम पार्टी है उस बयान का भी खंडन करा, लेकिन साथ में करप्शन पे बात करी, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करी, योगी जी के काम पे बात करी, एक्सप्रेसवे पे बात करी, एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग, इन्फ्लेशन, टूरिज्म, वाटरवे, एयरवे, यूथ, गंगा, सब पे बात करी। अब उस समय इन्होंने अपने कान बंद कर लिए तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सुनिए अनुराग जी, सुनेंगे तो समझेंगे, नहीं तो ऐसे अनर्गल बोलते रहेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, चुनाव के 2017 के चुनाव के दो महीने पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करा अखिलेश यादव ने 5,500। अनुराग सुनिए, अनुराग ऐसे बहस नहीं हो सकती है मेरे कार्यक्रम। ठीक है अनुराग जी, अब आप भी थोड़ा संयम से जी, शांतनु जी संयम के साथ अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए। क्या विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं, आसान तरीका हिंदू मुस्लिम करो, वोट पा जाओ। अनुराग जी देखिए, गुंडागर्दी यूपी से खत्म हो रही है, आप स्टूडियो पे गुंडागर्दी मत करिए पहले तो। चलिए सर, इस तरीके के बयान मत दीजिए, और अनुराग जी को आपको जवाब नहीं देना है, आप यहाँ पर दर्शकों को जवाब दीजिए जो शो देख रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, दो महीने पहले 2017 के विधानसभा चुनावों के दो महीने पहले अखिलेश यादव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करा, और दिसंबर 2016 में 5,500 स्कीमें बस अनर्गन लखनऊ में बैठ के लॉन्च कर दी। अब उन्होंने ये ट्रिक उनकी ये थी कि जो भी स्कीम आएगी उसको मैं कहूँ ये तो मेरी है, ये तो मेरी है। की बात हो रही है क्या यहाँ पर, यहाँ देश की बात हो रही है? उन्होंने कहा कि सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जो है, वो 4 साल में उन्होंने जो विकास किया, उनकी सरकार का जो कामकाज है, उन्होंने 40-45 मिनट तक वही गिनवाया, क्योंकि कांग्रेस फिर अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण में वापस जा रही है। राहुल गांधी को लगता है कि मम्मी के लिए मुस्लिम दुष्टिकरण काम करा, पापा के लिए मुस्लिम दुष्टिकरण काम करा, तो मैं अब वापस आता हूँ। देखिए, बीच में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की थोड़ी लाइन लेने की कोशिश करी, एंटनी कमिटी ने कहा कि आप बहुत एंटी हिंदू दिख रहे हैं, आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए। वो वापस आए, वो जनेऊधारी ब्राह्मण बने, वो शिव भक्त बने, लेकिन उनके लिए नहीं चला, 20 राज्य हार गए वो। अब इस समय 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 70% भूभाग पे भाजपा की सरकार है, तो फिर मुस्लिम दुष्टिकरण पे वापस आ रहे हैं। और शशि थरूर इन तमाम सभा